हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसके ऊपर? इंश्योरेंस के ऊपर। अपना मेजॉरिटी बैंकिंग जो है अपना कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है, किसका? इंश्योरेंस का। तो होप सो 3 से 4 क्लास के अंदर हमारा इंश्योरेंस का टॉपिक जो है हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट। तो आइएगा, आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम जो है वो क्या है? इंश्योरेंस। अगर बात करूंगा मैं इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस जो है वो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में, जिसमें एक पार्टी का नाम होता है इंश्योरर और एक का नाम होता है इंश्योर्ड। जो पार्टी अपना इंश्योरेंस करवाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंश्योर्ड। और जिस जो पार्टी इंश्योरेंस करती है, बोले तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? इंश्योरर। क्या बोलेंगे? इंश्योरर। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड, इन दोनों पार्टी के बीच में जो एक आपका इंश्योरर और एक आपका इंश्योर्ड, इन दोनों पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? क्या बोलेंगे? जो एग्रीमेंट किया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस एग्रीमेंट। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? दो पार्टी के बीच में क्या है? एक एग्रीमेंट है। ओके जी सर। सर एक बार बताओ तो भैया, इंश्योरेंस का शुरुआत जो है वो कैसे हुआ? आइएगा, एक सिचुएशन आपको मैं देता हूं, वो सिचुएशन समझिएगा। देखें, ये हमारे हैं जी, हमारे मिस्टर ए, ये हमारे मिस्टर ए हैं, ठीक है। ये एक किसी मान लीजिए कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, या इनका अपना खुद का एक बिजनेस था, या मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर ये जॉब करते थे, ठीक है, और प्राइवेट जॉब करते थे, और इनका सैलरी जो था वो था मान लीजिए 50,000 पर मंथ। एक ऐसा रफली एग्जांपल, कितना पैसा कमाते हैं? 50,000 रुपये पर मंथ। इनकी शादी हो चुकी है, तो ये है इनकी वाइफ मिसेस ए। ये देखो, ये वाइफ है जी हमारी, ये वाइफ है मिसेस ए, और ये देखो इसके बाल भी बना रखे हैं, ये पफ आजकल चल रहा है ना वो फैशन, गुलदस्ता सा लड़के जो बना लेते हैं, तो वो पफ भी बना रखा है इन्होंने, ठीक है। ये मिस्टर ए के, ये हैं जी मिस्टर ए के फादर, ए के फादर, और ये है ए की मदर। दोनों खुश हैं, क्यों? क्योंकि लड़का जो है कमाने लग गया, लगभग 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मैरिड है, ठीक है। ये है जी छोटा ए, और ये है जी एक छोटी ए। छोटा ए जो है, ये है मान लीजिए सेकेंड क्लास के अंदर पढ़ते हैं अभी, और छोटी ए जो है ये है मान लीजिए फोर्थ क्लास के अंदर, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है जी सर। और ये मिसेज ए जो है ये ओनली 12th पास है, ठीक है, और ये किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो ये मान लीजिए एम कॉम थे, मास्टर डिग्री इन्होंने किया हुआ था, एम कॉम करके जॉब कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल जो है कितना पैसा कमा रहे हैं? 50,000 पर मंथ। ए के फादर जो है वो कहीं काम करते थे, छोटा मोटा कोई काम करते थे, लेकिन अब लड़का कमाने लग गया तो इन्होंने अपना काम कुम छोड़ दिया, और जो ए की मदर है ये भी अपना हाउस वाइफ है, तो ये भी हाउस वाइफ हो गई है, ए की मदर भी, और जो मिसेज ए ये भी हाउस वाइफ है, ठीक है, अच्छा काम चल रहा था। एक बात सोचिएगा, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ए जो कि अर्निंग हैंड है, तो पैसा कमाने वाला कौन है आज के डेट में? पूरे घर को चला कौन है? ए चला रहा है, और ए की जो सैलरी है वो कितनी है? 50,000 पर मंथ। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए, ए जो ये हमारे मिस्टर ए हैं, अगर ये कभी ऐसा हुआ कि ये बेचारा एक्सपायर हो गया, क्या हो गया? एक्सपायर। अगर ए एक्सपायर होगा तो क्या घर का जो मेन चिराग था, जो घर के अंदर अर्निंग लेके आता था, वो अर्निंग हैंड ही अगर चला गया, तो क्या घर के ऊपर संकट के बादल आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे सर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ए के फादर जो है ये रोने लगे, इनका बच्चा चला गया, ठीक है, ए की मदर जो है वो क्या रोने लगी, इनका बेटा चला गया, ए की वाइफ जो है वो भी क्या होने लगी, रोने लगी, क्यों? इनके हस्बैंड चले गए हैं। छोटा ए और छोटी ए बीच क्या होने लगे? रोने लगे, क्योंकि इनके पापा एक्सपायर हो गए बेचारे। अगर ऐसा सिचुएशन होगा, देखो मिस्टर ए जो है, अब दिक्कत सबसे बड़ी क्या, देखो एक तो बंदा चला गया, एक तो दिक्कत ये सबसे बड़ी, और दूसरी दिक्कत ये है कि बंदा तो गया, लेकिन साथ में क्या हो गया? अर्निंग हैंड चला गया। कंपनी की जो अर्निंग जहां से हो रही थी, वो अर्निंग का हैंड ही जो है वो, सॉरी, हाउस होल्ड की या फिर इस परिवार की जो अर्निंग हो रही थी, जहां से वो अर्निंग क्या हो गई? खत्म हो गई, अर्निंग चली गई है, तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बेसिकली जो है वो यहां पर अब करें क्या? तो यहाँ पे एक मिस्टर ए, अभी ना मिस्टर ए एक्चुअल में एक्सपायर नहीं हुआ, मिस्टर ए ऐसा सोच रहा था, उसको ऐसा सपना आया कि कल को अगर मान लीजिए मैं सरक गया, कल को ए ऐसा सोच रहा है कि कल को अगर मान लीजिए मैं मर गया, तो मेरे मरने के बाद में मेरी फैमिली का क्या होगा? तो ए जो है, ए बड़ा यहाँ पे घबरा गया, बोला अगर मैं चला गया तो देखो वाइफ भी इतनी कैपेबल नहीं है, 12th पास है, तो उसको छोटी मोटी नौकरी मिलेगी, बच्चे भी छोटे हैं, कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मम्मी पापा का क्या होगा? मम्मी पापा बूढ़े हैं, तो मैं तो फंस गया यहाँ पे। तो ए जो है यहाँ पे बहुत सोचने लगा, सोच विचार करने लगा, और ए को जो है बाद में ये रियलाइज हुआ कि अगर ए कल को एक्सपायर हो गया तो पूरे घर के ऊपर जो है संकट के बादल आ सकते हैं। तो ए ने यहां पे बेसिकली जो है वो क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ में? किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में,
किसके, इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। तो मिस्टर ए ने कॉन्टैक्ट किया एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बोला कि ए ऐसा बोलता है कि आप मुझे जो है वो क्या करें, मैं आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, हर साल मैं आपको कुछ ना कुछ जो है वो प्रीमियम अमाउंट जो है वो क्या करता रहूँगा, पे करता रहूँगा। और जिस दिन अगर मान लो ए बोलता है ऐसा कि जिस दिन अगर मान लीजिए मैं एक्सपायर हो गया तो आप मेरी फैमिली को जो है, ए की फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करेगी, इंडेमनीफाई करेगी। क्या करेगी, इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफाई बोले तो क्षतिपूर्ति करेगी, बोले तो कंपनसेट करेगी। क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे ए के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो है वो क्या हुआ, ये दो बंदे हैं, एक है ए और एक है इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। और उस एग्रीमेंट के अंदर ये बोला गया, एग्रीमेंट जो हुआ ना उस एग्रीमेंट में ये बोला गया कि कल को अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि ए एक्सपायर हो गया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से और वो ये क्या बोलता है कि कल को ए ऐसा बोलता है कि कल को अगर मैं एक्सपायर हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को जो है वो क्या करेगी, इंडेमनीफाई करेगी या फिर उनको कंपनसेट करेगी ताकि उनकी अर्निंग जो है वो चलती रहे, उनका खर्चा जो है वो चलता रहे। देखो एक ही जगह तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ए तो भाई अब देखो अगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि पर्सन जो चला गया मान लीजिए तो उसको तो आप गुड नहीं कर सकते हो, उसको तो आप सही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी जगह कोई और दूसरा बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन जो नुकसान हो गया है ठीक है, या जो रूटीन में खर्चा चल रहा है उस खर्चे को हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर यह बोला गया कि जो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टी जो अपना बीमा करवाती है उसका बोलते हैं इंश्योर्ड, क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड, और दूसरी पार्टी जिसका इंश्योरेंस किया जाए, जो इंश्योरेंस करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंश्योरर, क्या बोलते हैं, इंश्योरर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टी इन्वॉल्व्ड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वन इज द इंश्योर्ड, अनदर वन इज द इंश्योरर। जो इंश्योर्ड होती है, अगर हम बात करते हैं किसका, इंश्योर्ड का, इंश्योर्ड जो है वो कंपनी होती है, वो पार्टी होती है जो अपना इंश्योरेंस करवाती है और जिसके थ्रू इंश्योरेंस करवाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंश्योरर। तो बेसिकली इंश्योरेंस जो है ये दोनों पार्टी के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके जी सर, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आइएगा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्या है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर जहां पर वन प्रॉमिस, एक पार्टी जो है वो क्या करती है, प्रॉमिस करती है किससे, दूसरी पार्टी से कि वो क्या करेगी, इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफाई बोले तो क्षतिपूर्ति करना, क्या करना, क्षतिपूर्ति करना, या और मेक गुड, मेक गुड का मतलब सही करके देना, मेक गुड का मतलब क्या हो गया यहां पे, अगर हम बात करें तो सही करके देना ठीक है, सही करके देगी क्या, एनी फाइनेंशियल लॉस, अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है सफर्ड बाय द लेटर, अगर मान लीजिए कि कोई भी फाइनेंशियल लॉस है, जिस पार्टी ने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया अगर उसको कोई भी लॉस हो गया तो दूसरी पार्टी उसको लॉस जो है वो क्या करेगी, कंपनसेट करके देगी, इन कंसिडरेशन फॉर एन अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ प्रीमियम, और बदले में जो है इंश्योरर जो है उसको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा। इन अदर वर्ड्स द पार्टी एग्रीइंग टू पे फॉर द लॉसेस, जो पार्टी लॉस का भुगतान करने में एग्री हो गया उसको बोलते हैं इंश्योरर। द पार्टी एग्री टू पे फॉर द लॉस, जो पार्टी ये बोली है कि कल को अगर नुकसान हो जाए तो हम लॉस को भरपाई करके देंगे उसको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी या फिर उसको बोलेंगे इंश्योरर। एंड द पार्टी हुज लॉस मेक्स द इंश्योरर पे द क्लेम इज नोन एज द इंश्योर, और जिसके नुकसान की भरपाई की जाएगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंश्योर। द कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट और व्हाट द इंश्योर्ड पे टू द इंश्योरर इज नोन एज द प्रीमियम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बदले में होता है, प्रीमियम के बदले में। द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिसी। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज रेफर टू एज अ पॉलिसी। एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिडिक्शन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस है किसके ऊपर, मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के ऊपर, विच इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जो गाइडेड है एक प्रिंसिपल से जिसका नाम जो है वो क्या, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करेंगी, डिस्क्लोज करेंगी, कोई भी पार्टी जो है वो इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करेगी। और ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैसा होगा, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्या होगा, एनफोर्सिएबल होगा, लीगल होगा। आगे इंश्योरेंस इज ए केस ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, इंश्योरेंस जो है वो केस है किसका, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन का, एज इंश्योरेंस इज ए सर्विस एंड एज ए मैटर ऑफ सोलिसिटेशन। ओके जी सर, तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में जिसमें एक पार्टी जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंश्योरड, इंश्योरर, और एक होती है क्या, इंश्योर्ड। जो पार्टी इंश्योरेंस लेती है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, और जिस पार्टी से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंश्योरर, या उसको इंश्योरेंस कंपनी भी बोलते हैं।
ओके जी सर, अब है बात करेंगे फीचर का, फीचर ऑफ द इंश्योरेंस। तो सबसे पहले सेकंड वाले को पढ़ेंगे, ये क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ द एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनल लॉसेस। ये सबसे स्पेशल बात है और वो ये है कि इंश्योरेंस के अंदर पेमेंट जो है वो किस किसका किया जाएगा, एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल लॉसेस का जो है वो पेमेंट किया जाता है। सर एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल का मतलब क्या, यहाँ पे इनका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ कि आपने जानबूझ के कोई नुकसान कर दिया, तो उस एक्सपेंस की जो है वो पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट जो है वो ऐसे लॉसेस का होगा जो अनजाने में हुआ या फिर जो एक्सीडेंटल इन नेचर था, आपने जानबूझकर नहीं किया। जैसे मान लीजिए अगर आपने गाड़ी जो है अपना वो इंश्योरेंस करवा लिया, तो अगर गाड़ी अनइंटेंशनली ठुक गई है तो फिर उसको सही करके देगी इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपने जानबूझ के ठोकी है मान लीजिए क्लेम लेने के लिए, तो फिर वहां पे जो है आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस डील विद कवरिंग ऑल अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन लॉसेज विच अकर एट रैंडम एंड एक्सीडेंटल इन नेचर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ चांस एंड नॉट डेलिबरेटली कॉज। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के आपने ऐसा कुछ भी ना किया हो। आगे ट्रांसफर्ड रिस्क, अगर बात करूंगा किसका, ट्रांसफर रिस्क का, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है इंश्योरेंस जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच रिस्क ऑफ वन पार्टी इज ट्रांसफर्ड टू अदर। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पार्टी का जो रिस्क है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, दूसरे पार्टी को, हु इज यूजली इन ए स्ट्रॉन्गर पोजिशन, जो है वो क्या होगा, अच्छी पोजिशन के अंदर होती है फाइनेंशियली एंड कैन ईजिली मेक गुड द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड। इसका मतलब जो है रिस्क को ट्रांसफर कर दिया गया, जो कभी नुकसान हो रहा था ए को, तो ए ने अपना रिस्क जो है वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। रिस्क ऑफ द डेथ इलनेस थेफ्ट आर ऑल द एग्जांपल वेयर द रिस्क ऑफ द इंश्योर्ड कैन बी ट्रांसफर टू द इंश्योरर। दस द मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड फॉर्म ऑफ रिस्क ट्रांसफर इज इंश्योरेंस। ओके जी सर, दैट इज द रिस्क दैट कैन बी ट्रांसफर इन इंश्योरेंस इज इंश्योरेबल रिस्क। इसके बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये एक फीचर है किसका, इंश्योरेंस का, और वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो अगर कभी कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को क्या किया जाएगा, क्षतिपूर्ति किया जाएगा, उस लॉस की भरपाई किया जाएगा, दूसरी पार्टी जो है वो लॉस को क्या करेगी, भरपाई करके देगी। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि बंदा जो चला गया उसको आप उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो चला गया ना, उसको आप वापस नहीं ला सकते हो। हाँ, लेकिन उसकी वजह से, बंदे की जाने की वजह से जो नुकसान हो, उस लॉस की क्षतिपूर्ति हो सकती है। बट प्रॉपर्टी और द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, दोबारा से क्या करना, सही करना किसको, एनी फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड एंड टू पुट हिम और हर बैक इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन। तो इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि नुकसान को जो है क्या करना, सही करना, और दोबारा उस पर्सन को उसी सेम पोजीशन के अंदर लेके आना, एज ही और शी वाज बिफोर द अकरेंस ऑफ द लॉस, जैसे वो लॉस के होने से पहले थे। आगे एन एग्जांपल ऑफ द हाउसहोल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी वर द इंश्योरर पे द एक्चुअल लॉस टू द पॉलिसी होल्डर इन केस ऑफ एनी थेफ्ट और डैमेज दैट हैज बीन कॉज्ड ऑफ द हाउसहोल्ड अप्लायंस और द गैजेट कवर्ड अंडर द पॉलिसी। अगर मान लो कभी ऐसा हो गया, आपने इंश्योरेंस थेफ्ट इंश्योरेंस करवा रखा था, अगर आपके घर से कोई सामान उठ के चला गया ना, सामान चोरी हो गया, तो उस सामान की क्या कर देंगे, क्षतिपूर्ति कर देंगे, या तो आपको सामान ला के दे देंगे और या फिर क्या होगा, आपको पैसा प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप नया सामान ला सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा जो था उसका इंश्योरेंस करवा रखा था और वो बंदा एक्सपायर हो गया, तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है। तो प्रिंसिपल इंडेमनिटी बेसिकली क्या बोलता है, अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो फिर आपको जो है वो क्षतिपूर्ति भी मिलती है। आगे फीचर बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट का, इंश्योरेंस देखो हम जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, तो आइएगा सबसे पहले पढ़ेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कैसा एग्रीमेंट होता है, कितनी पार्टी के बीच में, टू और मोर पार्टी टू परफॉर्म और, या तो कोई काम करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरे लिए ये काम करके दो, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम ना दूसरी पार्टी को बोलते हैं कि जो काम उसने करना था तुम अब वो काम मत करना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम पुलिस वाले को रिश्वत दिया और हमने उसको बोल दिया कि आप हमको पकड़ने आने वाले थे, अब आप हमको पकड़ने मत आना, तो इसको बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम एन एक्ट, किसी काम से क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, कितनी पार्टी के बीच में, टू और मोर पार्टी के बीच में, जिनमें क्या बोलते हैं, टू परफॉर्म और abstain from an act with an intention to create a legal binding relationship. An enforceable contract must have the following requisite. जो आपका enforceable contract होता है उसमें ये सब फीचर होते हैं। सबसे पहला offer and acceptance। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपका एग्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीज होगी। दूसरा कंसिडरेशन,
जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो किसके बदले में होता है, कंसीडरेशन के बदले में होता है। अगर लीगल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तभी होगा अगर दोनों पार्टी जो है वो क्या है, लीगली कैपेबल है। और लीगली कैपेबल का मतलब क्या होता है, एप्लीकेंट मस्ट बी, मस्ट नॉट बी ए माइनर, एक तो माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा मेंटली इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए, तीसरा एनी वे अलाइन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो है हमारा जो जो पड़ोसी मुल्क है जैसे जिसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, मतलब हमारी जो है वो जिसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है उस कंट्री के किसी भी पर्सन के साथ में आप जो है कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। एंड इंटॉक्सिकेटेड, और अगर मान लो कोई पर्सन जो है नशे के अंदर धूत है तो उसके साथ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, वो भी इनकेपेबल माना जाता है। या प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टी, सभी पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए। एंड लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिस बारे में आपने कॉन्टैक्ट किया वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फीचर है किसके, कॉन्ट्रैक्ट के। तो एक जो आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये सब फीचर होने चाहिए। आगे फीचर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अब इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके क्या क्या फीचर हैं, चार फीचर है। सबसे पहला फीचर क्या आ गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्टराइज एज वन ऑफ एडिशन का मतलब क्या, अब ध्यान से सुनो। पहले क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, हाँ जी। एक पार्टी का नाम क्या होता है पहले बोलो सर, एक का नाम होता है इंश्योरर और एक का नाम क्या होता है इंश्योर्ड, एक है इंश्योरर एक है इंश्योर्ड। इंश्योरर जो है वो कौन होता है, वो होता है कंपनी, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योर्ड कौन होता है, पॉलिसी होल्डर, कौन होता है, पॉलिसी होल्डर, जिसने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो ये हम बोलते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसा है, वो इज एज वन ऑफ एडिशन होता है, एडिशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। एडिशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया उसमें इंश्योर्ड जो है वो कोई भी फेर बदल या चेंजेस नहीं कर सकता है। मतलब ये है, कंपनी ने अगर मान लीजिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आपको वही, या तो मतलब ऐसा बोलते हैं इसको लीव इट और टेक इट, या तो लीव इट या टेक इट, या तो ले लो और या फिर क्या कर दो, छोड़ दो। इसको बोलते हैं हम क्या, कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसा होता है, हैज करेक्टराइज एज वन ऑफ द एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, या तो ले लो और या फिर क्या कर दो, छोड़ दो। ओके जी सर, तो सबसे पहले फीचर तो ये है कि इसके अंदर जो है जो पॉलिसी होल्डर है उसको कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है कि वो कंडीशंस को फेर बदल कर दे या उनको चेंज कर दे। दूसरा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कंडीशनल, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं। बोल तो इंश्योरर ऑब्लिगेशन टू पे सर्टेन क्लेम अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्टेन एक्ट सच एज पेमेंट ऑफ द प्रीमियम एंड फर्निशिंग द प्रूफ ऑफ डेथ। मतलब ये है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो आपको जो है कंपनसेशन का अमाउंट तभी मिलेगा, अगर जो है आपको कंपनसेशन का अमाउंट तभी मिलेगा अगर जो है वो आपने क्या बोलो, अगर आपने प्रीमियम पे किया। अगर आपने प्रीमियम भी पे नहीं किया तो आपको कंपनसेशन का कोई भी अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था किसी पर्सन की डेथ के ऊपर तो आपको डेथ का प्रूफ जो है वो भी देना पड़ेगा। तो मतलब ये इसलिए बोलते हैं कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे होते हैं, इज ऑल्सो कंडीशनल होते हैं। आगे थर्ड बोलते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलेटरल इन नेचर। कैसा होता है, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल इन नेचर का मतलब क्या, कि एक ही पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं कंपनसेट करूंगी। जैसे अगर हम बात करें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपके यूनिलेटरल इन नेचर होते हैं, जिसके अंदर जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रॉमिस करती है किससे, पॉलिसी होल्डर से, कि कल को कोई नुकसान होगा तो हम उसकी भरपाई कर देंगे। ओनली वन पार्टी द इंश्योरर गिव्स ए लीगल एनफोर्सेबल प्रॉमिस। आगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं, एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या, जो किसी इवेंट के अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब विच इन्वॉल्व द एलिमेंट ऑफ चॉइस, एलिमेंट ऑफ चॉइस, और वन पार्टी में रिसीव मोर इन वैल्यू देन द अदर। मतलब ये है कि ये एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, कि किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर जो है वो बेसिकली क्या है आपका, ये अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया इंश्योरेंस का, क्या पता नुकसान हो और क्या पता नुकसान ना हो, इसलिए बोलते हैं इनको क्या, दीज आर द एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी सर, आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे जी हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अगर हमारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो क्या गया, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली ये बोलता है कि दोनों पार्टी, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे पॉलिसी होल्डर हो, दोनों कंपनी जो है अपने अपने फैक्ट जो है वो सारे के सारे एक दूसरे को क्या करेंगी, डिस्क्लोज करेंगी। इंश्योरेंस कंपनी सारी कंडीशन से वो डिस्क्लोज करेगी किसको, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी किसको, पॉलिसी होल्डर। और पॉलिसी होल्डर सारे फैक्ट जो है उसको, क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है, वो सारे के सारे बताएगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है किसका, म्यूचुअल ट्रस्ट का एंड कॉन्फिडेंस का। बोथ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। दोनों पार्टी एक दूसरे को सारी की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करेंगी, डिस्क्लोज करेंगी टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल एंटरिंग into a contract of the life insurance, the insured must declare to the insurance company if he is suffering from any disease that may be the life threatening. तो उसको हर चीज़ जो शो करना पड़ेगा। नंबर टू,
इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका उस सामान में कुछ उस गुड्स के अंदर जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, और इसकी ना कपड़ों की दुकान है, ये कपड़ों की दुकान है, इसके अंदर ना स्टॉक पड़ा है मान लीजिए 1 करोड़ का, ठीक है, उस पर्सन ने इस 1 करोड़ के स्टॉक का जो है वो मान लीजिए थेफ्ट इंश्योरेंस करवा लिया, या फिर मान लीजिए फायर इंश्योरेंस करवा लिया। अब फायर इंश्योरेंस या थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया तो क्यों करवाया, क्योंकि मिस्टर ए का इन स्टॉक के अंदर क्या था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कल को अगर स्टॉक जो है ये वाला स्टॉक अगर क्या हो गया, अगर ये जल गया या फिर चोरी हो गया, तो उसका मिस्टर ए के ऊपर फाइनेंशियली, कैसा, फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ेगा, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं हम लोग क्या कि क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बार पहले मैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है उसका डेफिनेशन बोलूं आपको। देखो, ए पर्सन हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन समथिंग, एक पर्सन का किसी दूसरी गुड्स के अंदर इंश्योरेबल जो है वो इंटरेस्ट होगा, व्हेन जब लॉस ऑफ और डैमेज टू डेट थिंग वुड कॉज द पर्सन टू सफर ए फाइनेंशियल और अदर काइंड ऑफ लॉस। जब उसको जो है वो क्या होगा, अगर वो चीज़ जो है जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट अगर कल को वो डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी वजह से मेरे को फाइनेंशियली जो है वो क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हम बोलते हैं उसका मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी जब भी इंश्योरेंस करेगी, ठीक है, चाहे वो गुड्स का इंश्योरेंस करिए या किसी पर्सन का इंश्योरेंस कर रही है, तो जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसका उस सामान में जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कल को अगर उस गुड्स को कुछ होता है तो उसका हमारे ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, फाइनेंशियली हमको लॉस होगा। आगे इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये बोलता है कि कल को अगर नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जो है वो गुड कर देगी, उसको सही कर देगी। द वर्ड इंडेमनिटी मीन्स अ रीस्टोर, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, रीस्टोर करना, दोबारा से उसी पोजीशन में ला के देना समवन टू द सेम पोजीशन डेट ही और शी वाज इन बिफोर द इवेंट कंसर्न टुक प्लेस, जैसे वो पहले थे, मतलब इवेंट घटने से पहले जैसे वो थे उसी पोजीशन के अंदर दोबारा ला के देना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या हो गया, क्षतिपूर्ति करना, क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति। दिस प्रिंसिपल इज applicable to all the fire and the marine insurance, it is not possible for the life insurance, bola life insurance ke liye possible nahi hai, kyunki agar life insurance humne kisi person ka karwaya tha aur wo person expire ho gaya to us person ki indemnity nahi ho sakti hai, kya us person ko wapas la sakte ho kya, nahi sir, because the loss of life cannot be restored, kyunki life ko jo hai loss, life ke jane se jo loss ho gaya usko hum restored nahi kar sakte hain। The purpose of this principle is that the insured is not allowed to make any profit from the insurance contract on the happening of the event that is insured again. Compensation is paid on the basis of the amount of actual loss or the sum insured whichever is less. जितने का आपने बीमा करवा रखा है और जितना आपका लॉस है, जो दोनों में कम होगा वो आपको रिसीव होगा। तो प्रिंसिपल इंडेमनिटी जो है वो बेसिकली क्या बोलता है, अगर हम बात करें प्रिंसिपल इंडेमनिटी का, तो ये बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस की जो है दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भरपाई कर देगी। आगे कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास में जो है वो कोई कॉन्टैक्ट आया, इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट आया और बहुत बड़े लेवल का आया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका आगे री इंश्योरेंस भी करवा सकती है। और अगर आप री इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपको जो प्रीमियम का पैसा मिलता है वो भी आपको बांटना पड़ेगा, और अगर लॉस होता है तो लॉस भी आपका बढ़ जाएगा। द सेम सब्जेक्ट मैटर में बी इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर इन सच ए केस द इंश्योरेंस क्लेम कैन बी पेड टू द इंश्योर्ड मस्ट बी शेयर्ड और कॉन्ट्रीब्यूट बाई ऑल द इंश्योर। आगे सबरोगेशन, प्रिंसिपल सबरोगेशन बेसिकली ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, और आपकी नई गाड़ी थी, एकदम काची गाड़ी थी, और वो कल को वो गाड़ी जो है वो क्या हो गई है, एक्सीडेंट हो गई, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गई पूरी जो है मतलब खराब हो गई गाड़ी, वो तो कंपनी ने आपको नई गाड़ी ला के दी, तो पुरानी गाड़ी का क्या, ऐसा नहीं है कि पुरानी गाड़ी अब आप नहीं रखोगे, जैसे ही आपको नई गाड़ी मिली या फिर आपको अगर कंपनसेशन मिल गया तो अब पुरानी गाड़ी के ऊपर आपका कोई भी राइट नहीं रहेगा। पुरानी गाड़ी कौन ले जाएगी, कंपनी ले जाएगी, उसको या तो वो बेचेगी या फिर कबाड़ के तौर पर कैसे भी वो कुछ कर सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन जो बेसिकली क्या बोलता है, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस सबरोगेशन मींस दैट आफ्टर द इंश्योरर हैज कंपनसेटेड द इंश्योर्ड, अगर एक बार इंश्योरर ने मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने अगर मान लीजिए कंपनसेट कर दिया किसको, इंश्योर्ड को, द इंश्योरर गेट ऑल द राइट ऑफ द इंश्योर्ड विद रिगार्ड्स टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, तो उसको वो सारे राइट मिलेंगे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। जैसे एग्जांपल बता रखा है, सपोज गुड्स वर्थ ₹20,000 की पार्शियली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से क्या होगी, खराब होगी, एंड द इंश्योरेंस कंपनी पे द कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन टेक इवन दीज पार्शियली डिस्ट्रॉयड गुड्स एंड सेल देम इन द मार्केट, तो वो उसको जो है वो लेकर जा सकते हैं और मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। आगे फिर आएगा जी मिटिगेशन,
मिटिगेशन का मतलब क्या, अगर आपने मान लीजिए कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो स्पेशल बात जो है वो ये है कि चाहे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हो तो भी आप गुड्स को इस तरीके से यूज करेंगे जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा। मतलब यू नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, अब मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी को इंश्योर करवा रखा है तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह उसको पेल ले जा रहे हो, मान लो गाड़ी को कभी डिवाइडर पर चढ़ा दिया, कभी कहीं ठोक दिया, कभी कहीं ठोक दिया, ये सोच के कि इंश्योरेंस तो है ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप गुड्स का, जिस भी गुड्स का आपने अगर इंश्योरेंस करवा लिया तो आप सोच समझ के उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, पूरी ड्यू डिलीजेंस से उसमें बरतेंगे। इन द केस ऑफ मिसहैप, अगर कभी मिसहैपनिंग हो गया, द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल स्टेप टू रिड्यूस और मिटिगेट द लॉस और द डैमेजेस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। दिस प्रिंसिपल एंश्योर दैट द इंश्योर्ड डज नॉट बिकम नेग्लिजेंट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर आफ्टर टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, तो अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया तो नेग्लिजिबल होकर आप काम नहीं करेंगे। द इंश्योर्ड इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन ए मैनर एज इफ सब्जेक्ट मैटर हैज नॉट बीन इंश्योर्ड, आप उसी तरीके से काम करेंगे जैसे आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ हुआ। और आखिरी जो है वो है कौन सा, कोस प्रोक्सिमा या नियरेस्ट कोस। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवाया अगर नुकसान उसी चीज़ की, मतलब जिस पर्पस के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया था, अगर उसी पर्पस की वजह से अगर मान लीजिए क्या हो गया, लॉस हुआ, तो ही आपको इंडेमनीफाई किया जाएगा। अगर किसी और पर्पस के लिए लॉस हो गया तो हम आपको इंडेमनीफाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हमने जो है वो रस्ते का मैरिन इंश्योरेंस करवा लिया, इंडिया से कोई सामान भेजा मान लो हमने यूएस से, और यूएस से वो सही सामान पहुँच गया लेकिन वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया, पोर्ट पर पड़ा रहा, और जो संतरे थे हमने संतरे भेजे और संतरे हमारे क्या हुए, गल गए, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन नहीं देगी। कंपनी क्या बोल रही है कि अगर रस्ते में आपका सामान डूब जाता तो हम आपको कंपनसेशन देते, हमारी तरफ से सामान तो आपका पहुंच गया ना, उसके बाद अगर वहां पे खराब होता है तो उसमें हमारी कोई भी जो है वो गलती नहीं है। तो कोस प्रोक्सिमा जो है वो बेसिकली क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या, इंश्योर्ड जो है कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर ए लॉस ओनली इफ इट कॉज बाय द रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट। द रिस्क इंश्योर्ड शुड बी द नियरेस्ट कॉज, जो रिस्क इंश्योर्ड करवाया वो कैसा होगा, नियरेस्ट कॉज होना चाहिए फॉर द किसके लिए, लॉस के लिए, देन ओनली द इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू पे फॉर द कंपनसेशन। एग्जाम्पल जैसे यहां पर दिया हुआ है क्या, ए शिप कैरिंग ऑरेंज, शिप के अंदर क्या थे, ऑरेंज थे, उनको इंश्योर्ड करवाया था अगेंस्ट द लॉस अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। द शिप रीच द पोर्ट सेफली, शिप जो है वो पोर्ट पे सेफली पहुंच गया, एंड देयर वाज अ डिले इन अनलोडिंग द ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज को अनलोड करने में जो है, जो अनलोड करवाने में क्या हो गया, डिले हो गया फ्रॉम द शिप एज ए रिजल्ट, और उसकी वजह से क्या हो गया, शिप गॉट्स स्पॉइल्ड, और जो ऑरेंज थे वो क्या हो गए, स्पॉइल्ड हो गए। द इंश्योरर डिड नॉट पे एनी कंपनसेशन, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेगी क्योंकि प्रोक्सीमेट कॉज जो हुआ है लॉस वॉज डिले इन अनलोडिंग एंड नॉट ऑफ द एक्सीडेंट ड्यूरिंग वॉयज, रस्ते में नुकसान नहीं हुआ, अनलोडिंग जो है टाइम पे नहीं हुई उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो हम आपको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारे 7 प्रिंसिपल है, तो इनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला क्या था बोलो, सबसे पहला गुड फेथ, हर एक बार डिस्क्लोज करेंगे। दूसरा जो है वो क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब आप बीमा करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आपका उस गुड्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर क्या था आपका, थर्ड वन इज इंडेमनिटी, इंडेमनीफाई करेंगे आपको। फोर्थ वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन औरों के साथ मिलके, तो वो अपना कहते हैं री इंश्योरेंस वाला। फिर सबरोगेशन बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आपको कंपनसेशन मिल गया तो पुराने गुड्स के ऊपर अब आपका कोई भी राइट नहीं रहेगा। मिटिगेशन, उस तरीके से गुड्स को यूज़ करेंगे कि जैसे हमें बीमा नहीं करवा रखा, पूरा गुड्स को यूज़ करते हुए ड्यू डिलीजेंस बरतेंगे। और फिर कोस प्रोक्सिमा जो है वो बेसिकली क्या बोलता है कि नियरेस्ट कोज के कारण जो नुकसान हुआ है उसी की जो है वो क्षतिपूर्ति होगी और किसी की आपकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। ओके जी सर, ये हो गया जी हमारा फर्स्ट लेक्चर इंश्योरेंस का, जिसमें हमने पढ़ा इंश्योरेंस होता क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा हम लोग ने पढ़ा उसके फीचर, और तीसरा हम लोग ने पढ़ा इसके क्या प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है पहले पढ़ेंगे इंश्योरेंस को चलाने के लिए अपने इंडिया के अंदर जो है हम लोगों ने एक अथॉरिटी बना रही है जिसका नाम है IRDAI, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ेंगे टाइप्स, और फिर पढ़ेंगे इसका रिस्क, और अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।